हेलो फ्रेंड्स, सो माय नेम इज सुनील यादव और गाइस मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। दत्ता मेघे कॉलेज का ये मैथ्स का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है फॉर योर आई ए टू मीन्स यूनिट टेस्ट टू के लिए। सो गाइस मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन को फॉलो करो और मैक्स मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करके लो सो दैट आपका जो यूनिट टेस्ट है वो प्रॉपर जाए, एक अच्छा मार्क्स ला पाओ। गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जिस किसी को लग रहा है यार कि मेरा मैथ्स टू का प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है, ये वीडियो देख के आपको लग रहा है यार कुछ तो अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और इन्फॉर्मेशन मिलता तो बेटर है, उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करो। आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएंगी कि आगे आपका जो सेशन है वो किस तरह से कंटिन्यू होगा। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे 1 जून से हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स चालू हो रहा है मैथ्स टू के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जीरो टू कंप्लीट नॉलेज, एक आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके जा सकते हो। तो गाइस इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। चलिए पहला एग्जांपल है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है 0 to 4 0 to y y dx dy। तो गाइस हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को मैं आई लूंगा 0 to 4 0 to y y dx dy है। सबसे पहला मुझे ये अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो कि अंदर वाले इंटीग्रेशन का वेरिएबल है x, राइट? सो वेरिएबल अगर x है तो जिसके अंदर x नहीं है वो बाहर जाएगा, तो इसमें x नहीं है तो ये बाहर जाएगा, मीन्स इस इंटीग्रेशन के बाहर गया, अंदर बचा है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x, लिमिट है 0 to y एंड ये आपका dy। चलिए लिमिट सॉल्व हो गया तो लिमिट पुट करना पड़ता है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, मीन्स x की जगह पे मैंने पहले y डाला फिर माइनस x की जगह पे 0 डाला। तो आप देख सकते हो कि y इंटू वाई मीन्स वाई स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, लिमिट है 0 to 4, 4 डालूंगा तो 64/3 हो जाएगा, 0 डालूंगा तो 0/3 हो जाएगा विच इज 0, सो फाइनली आंसर मिला 64/3। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इवेलुएट 0 to 1 0 to x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x dx dy। तो गाइस यहाँ पे भी सिर्फ इवेलुएट ही करना है, सो लेट इंटीग्रेशन को मैं आई लेता हूँ, ये जो इंटीग्रेशन है मैंने उसको आई लिया, ये एक्स को अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अंदर वाले इंटीग्रेशन में मिसिंग है वाई, तो पहले डी वाई आएगा बाद में डी एक्स आएगा। चलिए अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ, अंदर वाले इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वाई, सो फर्स्ट टर्म में y नहीं है, सेकेंड टर्म में y है, y नहीं है मतलब कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट अगर ऐड है तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल। यहाँ पे y है तो x को साइड में लो, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, लिमिट है 0 to x। चलिए लिमिट पुट करते हैं, y की जगह पे x डालोगे तो x रेज़ टू 4, ये भी x रेज़ टू 4/3 हो जाएगा, एक y की जगह पे 0 डालोगे तो सब 0 हो जाएगा। सो गाइज इसको सॉल्व कर लो, 3 1 3 + 1 4/3 मिला x रेज़ टू 4 dx, 4/3 कॉन्स्टेंट है बाहर, x रेज़ टू 4 का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 5/5, लिमिट है 0 to 1। सो गाइज अगर 1 डालोगे तो 1/5, 0 डाला तो 0, सो इस तरह से 4/15 ये आपको फाइनल सॉल्यूशन मिला। आई होप ये समझ में आया। सो गाइज लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन y टू रूट ए वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स हमें पहले ऑर्डर चेंज करना है एंड देन इवेलुएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन को i लेता हूं, सो यहां पे हम लोग ऑर्डर करेक्ट करेंगे, अंदर y दिख रहा है तो पहले dx आएगा बाद में dy। स्टेप वन करने जा रहा हूं, ओल्ड लिमिट इनर लिमिट आउटर लिमिट, इनर x के लिए है आउटर y के लिए है, x का है y टू रूट ए वाई, y का है 0 to a। चलिए
डायग्राम ड्रॉ करता हूं। सो एक्स इज इक्वल टू वाई, ये रहा आपका एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन, ये इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, एक पैराबोला है, पॉजिटिव वाई है तो पॉजिटिव वाई ऊपर ऐसा ओपन होगा, दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई एंड ये है आपका एक्स इज इक्वल टू वाई। तो गाइस सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए कॉमा ए और ये जीरो, जीरो कॉमा जीरो। चलिए वाई इज इक्वल टू जीरो तो एक्स एक्सिस होता है एंड वाई इज इक्वल टू ए मीन्स यहाँ से एक लाइन इस तरह से पास होगा, दिस इज योर लाइन वाई इज इक्वल टू ए। तो गाइस आप देख सकते हो रीजन कौन सा है, इसके राइट में जाना है, इसके राइट में टिल यहाँ तक, तो ये रहा लाइन, इसके राइट में जाना है टिल, राइट में जाना है मतलब उसके पीछे का पोर्शन तो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई ये राइट मोस्ट पोजिशन है, सॉरी लेफ्ट मोस्ट पोजिशन है, इसके राइट में जाना है टिल दी पैराबोला, तो पैराबोला तक ही जाना था, उसके आगे नहीं। सो दैट्स व्हाई इसके सारे आगे वाले रीजन भी कैंसिल हो गए। वाई इज इक्वल टू जीरो डाउन मोस्ट पोजिशन है, वाई डाउन मोस्ट है, ये अपर मोस्ट है, तो इसके ऊपर भी नहीं जाना था। सो आप देख सकते हो ये छोटू सा जो रीजन दिख रहा, दिस इज द रीजन फॉर विच वी हैव टू चेंज इन टू पोलार, सॉरी चेंज करना है ऑर्डर। सो रीजन्स मिल गए हैं, स्टेप टू पे जाता हूं मैं, दैट इज न्यू लिमिट। सो गाइज अगेन फॉर्मेट तो वही रहेगा, इनर आउटर चेंज कर रहे हो, पहले इनर एक्स था अब वाई हो जाएगा, चेंज किया मतलब इनर आउटर हो जाएगा और आउटर इनर हो जाएगा। अगेन इनर लिमिट अपना वाई के टर्म्स में है तो स्ट्रिप अपना इनर लिमिट देगा, रीजन अपना आउटर लिमिट देगा, इनर वाई है अच्छा स्ट्रिप पैरेलल टू वाई आएगा, पैरेलल टू वाई, अच्छा मीन्स स्ट्रिप जो है वो हाइट दे रहा है तो विड्थ के लिए हमें रीजन को चेक करना, ये है आपका ओरिजिन राइट। सो स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से हुआ, पैराबोला से, पैराबोला का वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर बाय ए टिल द लाइन, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू है एक्स, अगेन लेफ्ट मोस्ट पोजिशन बाउंड्री का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, राइट मोस्ट पोजिशन बाउंड्री का ए है। सो गाइस लिमिट्स रेडी है, लेट सॉल्व द इंटीग्रेशन। सो आउटर लिमिट इनर लिमिट एनी जो अंदर का मटेरियल है वो आपका एज इट इज, तो आप देख सकते हो पहले dx dy था अब आपका dy dx हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग ये अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। चलिए वेरिएबल y है तो ये x कांस्टेंट हो गया, बाहर जाएगा 1 अपॉन वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वेरिएबल इंटू टैन इनवर्स ऑफ, सॉरी ये x बाहर गया था तो 1 अपॉन कांस्टेंट टू टैन इनवर्स ऑफ वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। चलिए लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करना है एक्स स्क्वायर बाय ए टू एक्स, ये आपका डी एक्स एज इट इज। तो गाइज इफ यू पुट द लिमिट्स सो व्हाट विल यू सी, ये कैंसिल हो गया, आपको मिला है जीरो टू ए, अपर लिमिट डाला तो कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स ऑफ फोर मतलब पाई बाय फोर हो गया माइनस, लोअर लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए डालोगे तो ये हो जाएगा एक्स बाय ए। सो दिस इज योर लिमिट राइट। सो इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय फोर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज पाई बाय फोर एक्स, टैन इनवर्स का इंटीग्रेशन निकालने जाओगे गाइस तो ये मिलेगा आपको एक्स इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए माइनस ए बाय टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। सो यहाँ पे लिमिट डालना है जीरो टू ए, चलिए अपर लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा पाई ए बाय फोर माइनस ए डालोगे तो ए हो गया टेन इनवर्स ऑफ एक्स ए बाय ए मीन्स वन, सो टेन इनवर्स ऑफ वन इज पाई बाय फोर आ जाएगा, फिर ये आपका ए बाय टू लॉग ए डालोगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन, वन प्लस वन इज टू, तो ये मिला आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स का वैल्यू जीरो डाला तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा एंड ये आपका आएगा जीरो। देखो ना जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो पॉइंट एनीथिंग जीरो, वन प्लस जीरो इज वन, लॉग वन भी जीरो होता है, तो फाइनली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये मिला आपको पाई ए बाय फोर माइनस पाई ए बाय फोर आएगा यहाँ पे, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो गया ए बाय टू इंटू लॉग टू, सो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आया है ए बाय टू लॉग टू विच इज योर लास्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आए, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चेंज टू पोलार एंड इवेलुएट, इंटीग्रेशन जीरो टू ए, इंटीग्रेशन जीरो टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीवाई डी एक्स। चलिए
इंटीग्रेशन को पहले मैं आई लूंगा, सो यहां पे ऑर्डर करेक्ट करेंगे, मिसिंग वाई है तो पहले डी वाई आएगा फिर डी एक्स। चेंज टू पोलार करना है तो पहले मुझे रीजन निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ओल्ड लिमिट लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट वाई इनर फिर आउटर, इनर वाई है आउटर एक्स है, चलिए ये हम लोग ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये सर्कल आएगा आपका, स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्कल है 0,0 एंड रेडियस है ए, तो एक ए रेडियस का मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया है, रेडियस ए है इसलिए ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा ए यह आ जाएगा आपका माइनस ए कॉमा जीरो, यह आएगा आपका जीरो कॉमा माइनस ए। चलिए आगे बात करता हूँ, वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस होता है, एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ से इस तरह से लाइन पास होगा ए, ये ए पॉइंट से दिस इज योर लाइन एक्स इज इक्वल टू ए। चलिए रीजन ढूंढता हूँ, तो दिस इज योर डाउन मोस्ट एंड दिस इज योर अपर मोस्ट, तो वाई इज इक्वल टू जीरो डाउन मोस्ट है मीन्स इसके नीचे नहीं जाना है एंड अपर मोस्ट सर्कल तक जाना है, सर्कल के ऊपर नहीं जाना है इसलिए सर्कल के ऊपर का पार्ट कैंसिल। एक्स इज इक्वल टू जीरो ये लाइन है, ये दिस इज द लेफ्ट मोस्ट, इसके आगे जाना है पीछे नहीं, इसके आगे जाना है यहाँ तक जाना है मीन्स इसके आगे नहीं जाना है, तो इसके आगे का रीजन कैंसिल। तो आप देख सकते हो कि ये जो रीजन बचा है दिस इज आवर रीजन, इसी का हमें पोलार कन्वर्जन करना है। तो पोलार कन्वर्जन करने के लिए पहले आपको पोलार कन्वर्जन के सब्स्टिट्यूशन लिखने पड़ेंगे। चलिए तो सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। सो गाइस इसमें लिमिट भी फिक्स होता है, इनर लिमिट आर होता है आउटर लिमिट थीटा होता है। चलिए अब हमें लिमिट निकालना है, सो उसके लिए रेडियल स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा, स्ट्रिप ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सो आप देख सकते हो पूरा का पूरा अपने ही रीजन में था, दैट्स व्हाई शेडिंग यहाँ से स्टार्ट किया जीरो से, आर का वैल्यू जीरो, सर्कल पे आर का वैल्यू ए मिल जाएगा। देखो ना यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पोलर होता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट्स व्हाई आर का वैल्यू ए, तो सर्कल पे आर का वैल्यू ए मिला। थीटा यहाँ जीरो होता है और यहाँ पे जो थीटा है वो पाई बाय टू होता है 90 डिग्री, तो जीरो से लेके पाई बाय टू। इनर लिमिट हमें स्ट्रिप ने दिया, आउटर लिमिट हमें रीजन ने दिया, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। सो गाइस जो इंटीग्रेशन था उसका आउटर लिमिट मिल गया, इनर लिमिट भी मिल गया एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर डी वाई डी एक्स आर डी आर डी थीटा होता है। तो सबसे पहला टारगेट है ये अंदर वाला इंटीग्रेशन, सो जीरो टू पाई बाय टू, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर इज टू फोर बाय फोर, लिमिट है जीरो टू ए, डिवाइड बाय फोर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाला, अपर लिमिट डालेंगे तो ए रेस्ट फोर लोअर लिमिट डाला तो जीरो, ए रेस्ट फोर भी कॉन्स्टेंट है बाहर निकालिए, तो अंदर बचा है ओनली डी थीटा, सो डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, लिमिट है जीरो टू पाई बाय टू, जीरो टू पाई बाय टू। चलिए लिमिट पुट करिए, सो पाई बाय टू माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो ये हो जाएगा पाई ए रेस्ट फोर अपॉन एट, विच इज योर लास्ट आंसर। आई होप समझ में आया। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू, बोला चेंज टू पोलार एंड इवैल्यूएट, इंटीग्रेशन है जीरो टू ए वाई टू ए, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स, तो पहले मैं इंटीग्रेशन को आई लेता हूं, क्वेश्चन को पहले हमें पोलार में कन्वर्ट करना है देन इवैल्यूएट करना है। सो एज यू नो कि यहाँ पे अंदर मिसिंग एक्स है तो पहले डी एक्स आएगा बाद में डी वाई आएगा, सो स्टेप वन सबसे पहले हमें ओल्ड लिमिट लिखना होगा। चलिए इनर लिमिट आउटर लिमिट, इनर लिमिट एक्स का है, आउटर लिमिट थीटा का है सॉरी वाई का है। सो गाइस हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, सो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेडी कर लिया, एक्स इज इक्वल टू वाई ये लाइन होगा ओरिजिन से पास होगा, एक्स इज इक्वल टू ए जो एक्स के ए से पास हो रहा है एंड वाई इज इक्वल टू ए अगेन इसी पॉइंट से पास होगा, दिस इज योर लाइन वाई इज इक्वल टू ए,
जो कि यहाँ पे 0, a से पास हो रहा है, वो इसलिए यहाँ से पास होगा क्योंकि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है a, a है, इसका भी y a है तो a, इसका x a है तो a, तो दोनों का ही पॉइंट वहीं से पास होगा और x इज इक्वल टू y है, अच्छा ये x इज इक्वल टू y लाइन भी पास होगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0 लाइन, ये होता है अपना x एक्सिस। चलिए सारे डायग्राम प्लॉट हो गए, एरिया ढूंढते हैं। तो ये देखो x वाला लिमिट है, तो x क्या बताता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये लेफ्ट मोस्ट पोजिशन है या राइट मोस्ट, इसके आगे जाने का है, इसके यहाँ तक जाने का है। तो x इज इक्वल टू वाई, ये इसके आगे जाने का है, तो पीछे वाला तो गया, आगे कहाँ तक जाने का है, आगे हमें जाने का टिल x इज इक्वल टू a तक, उसके आगे नहीं जाने का है। देखो ना, यहाँ से आगे जाना था टिल यहाँ तक, इसके ऊपर जाना है और यहाँ तक, तो इसके ऊपर जाना है तो नीचे वाले पोर्शन गए टिल यहाँ तक, तो ये ट्रायंगुलर रीजन जो दिख रहा है, दिस इज द रीजन फॉर विच वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पोलर। चलिए स्टेप टू लिखता हूं मैं, स्टेप टू मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पोलर कन्वर्जन लिखना पड़ेगा। पहले पोलर कन्वर्जन मतलब पुट करो x का वैल्यू r cos थीटा, y का वैल्यू r sin थीटा, dx dy का वैल्यू r dr d थीटा एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। चलिए लिमिट की बात करते हैं, लिमिट भी फिक्स होता है इनर आउटर, इनर r होता है, आउटर थीटा होता है। सो गाइस लिमिट के बारे में आपको पता है कि इनर कौन देता है स्ट्रिप, आउटर कौन देता है रीजन। स्ट्रिप ड्रॉ करिए, रेडियल स्ट्रिप, ओरिजिन से स्टार्ट होगा टिल द एंड पॉइंट ऑफ रीजन, शेडिंग जीरो से स्टार्ट हुआ है, दैट्स व्हाई जीरो टिल यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, तो x का वैल्यू अगर r cos थीटा डालोगे इक्वल्स टू a, तो r का वैल्यू मिलेगा a बाय cos थीटा, सो अपर लिमिट हो गया a बाय cos थीटा। चलिए थीटा का वैल्यू बात करिए, थीटा यहाँ पे होता है 0 एंड x इज इक्वल टू y पे थीटा होता है 45, तो 0 से लेके 45 मतलब पाई बाय 4। सो लिमिट्स रेडी है, इंटीग्रेशन पे जाते हैं, आउटर है 0 टू पाई बाय 4, इनर है 0 टू a अपॉन cos थीटा। चलिए x स्क्वायर तो r स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय रूट ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो r हो जाएगा, एंड dx dy का वैल्यू r dr d थीटा, तो r r से कैंसिल। सो पहले हम लोग अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे जिसका वेरिएबल है r, तो ये cos स्क्वायर बाहर गया, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r क्यूब बाय 3, लिमिट है 0 टू a अपॉन cos थीटा एंड d थीटा, चलिए डिवाइड बाय 3 कांस्टेंट है 0 टू पाई बाय 4, सो ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा, अपर लिमिट डालोगे तो a क्यूब अपॉन cos क्यूब हो जाएगा, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा। सो गाइस cos क्यूब देखो cos से कैंसिल हो गया, a क्यूब कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, ऑलरेडी 3 मेरा बाहर था, तो अंदर जो बचा है दैट इज 1 अपॉन cos हो जाएगा sec थीटा, और sec का इंटीग्रेशन निकालोगे तो आएगा log ऑफ sec प्लस tan, लिमिट डालना है 0 टू पाई बाय 4। चलिए लिमिट पुट करता हूँ, अपर लिमिट डालूंगा पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा log ऑफ sec पाई बाय 4, sec पाई बाय 4 होता है रूट 2, एंड ये हो गया tan पाई बाय 4 विच इज 1, माइनस 0 डालोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ sec 0 होता है 1, tan 0 होता है 0, log 1 0 होता है कैंसिल हो जाएगा, फाइनली a क्यूब बाय 3 log ऑफ रूट 2 प्लस 1, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलास, दो पैराबोला दिया है उनके बीच का एरिया निकालना है। चलिए स्टार्ट करता हूँ, तो एरिया का फॉर्मूला बाय डबल इंटीग्रेशन ये होता है, दैट इज डबल इंटीग्रेशन dx dy, सो लिमिट चाहिए तो पैराबोलास ड्रॉ करने पड़ेंगे। पहला पैराबोला आपका देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये राइट साइड में ओपनिंग होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये ऐसे ओपनिंग होगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा इसका भी वर्टेक्स, वर्टेक्स ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इस तरह से ऊपर जाएगा, सो दिस इज योर सेकेंड पैराबोला, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो ये आएगा आपका a, लेटर ऑन यू कैन फाइंड आउट 0, 0, 0, ये ओरिजिन है, राइट। सो गाइज ये वो एरिया है जो आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज द रीजन। चलिए अभी मैं लिमिट की बात कर लेता हूँ, लिमिट में पहला इनर आएगा फिर आउटर आएगा, इनर लिमिट निकालने जाओगे मतलब यहाँ पे स्ट्रिप आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, सपोज मैंने स्ट्रिप वर्टिकल ले लिया तो इनर लिमिट वाई होगा एंड आउटर लिमिट एक्स हो जाएगा,
वी नो कि इनर लिमिट कौन देता है स्ट्रिप, आउटर लिमिट कौन देता है रीजन। चलिए तो आप देख सकते हो y का डाउन मोस्ट पोजिशन यहाँ से है विच इज x स्क्वायर अपॉन 4a मिला, टिल दी अपर मोस्ट ये वाला है, यहाँ से y का वैल्यू निकालना चाहोगे तो रूट 4ax आएगा। x की वैल्यू बात करोगे तो यहाँ पे 0 है, अगर इसने हाइट दिया है तो x विड्थ देगा और यहाँ पे a है। सो गाइस लिमिट्स रेडी है, एरिया का फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो 0 टू a x स्क्वायर बाय 4a टू रूट ओवर 4ax एंड ये आपका dy dx क्योंकि स्ट्रिप आपने पैरेलल टू y ड्रॉ किया। चलिए आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये बार वाला लिमिट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा y, लिमिट्स है रूट ओवर 4ax टू x स्क्वायर अपॉन 4a, ये आपका dx एज इट इज। चलिए लिमिट पुट करता हूँ, अपर लिमिट डालूंगा तो 4ax माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो x स्क्वायर अपॉन 4a dx। सो गाइस फर्दर इंटीग्रेट करिए, रूट ओवर 4a ये तो कांस्टेंट है, रूट x मीन्स x इज टू हाफ, इंटीग्रेशन आएगा x इज टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2, अगेन 1/4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, इसमें आपको लिमिट डालना है 0 टू a। लेट्स पुट द लिमिट, पहले हम लोग a डालेंगे तो a रेज टू 3/2 हो जाएगा, a रेज टू 3/2, a रेज टू हाफ, a रेज टू 4/2, 4/2 मीन्स a रेज टू 2 हो जाएगा, तो a रेज टू 2 मतलब यहाँ पे a रेज टू 2 हो जाएगा राइट, तो ये रूट ऑफ 4 मीन्स 2, तो 2a स्क्वायर, ये 2 ऊपर गया तो 2 टू 4/3 हो जाएगा। चलिए आगे बात करिए, a डालोगे तो a क्यूब अपॉन a कैंसल, यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा अपॉन 4 3 12, अपर लिमिट मिला माइनस लोअर लिमिट सब 0 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया गाइज, फर्दर सॉल्व करना है तो a स्क्वायर को बाहर ले लो, सो अगर आपने a स्क्वायर को बाहर लिया तो 4/3 हो गया माइनस 1/12 हो गया, और 12 करना है तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 15, तो फाइनली आपको मिलेगा 15 a स्क्वायर डिवाइड बाय 12 विच इज योर फाइनल आंसर। तो गाइज ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, आई होप समझ में आया। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल है इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन को मैं आई लेता हूँ 0 टू 1 dx, 0 टू 2 dy, 1 टू 2 z dz दिया है, तो यहाँ पे इंडिविजुअली सारे इंटीग्रेट कर देना है, दैट्स इट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा लिमिट 0 टू 1, इंटीग्रेशन ऑफ dy y हो जाएगा 0 टू 2, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2, 1 टू 2। चलिए लिमिट डालोगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, 1 डालोगे तो 1/2 आ जाएगा, से ये 1 आया ये 2 आया, 2 टू 4 माइनस 1 इज 3/2, 2 2 से कैंसिल, 3 इज द आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया गाइज, इस तरह आपको और भी मैथ्स 2 के रिगार्डिंग और भी आपको हेल्प मिल सकती है, और भी अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको प्रिपरेशन के लिए, शायद आप बोलोगे यार आप इजी बोल रहे हो बट हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, मे भी हो सकता है। देखिए बेसिक नॉलेज अगर नहीं रहता है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता ही है, बट गाइज एज यू नो कि हमें थोड़ा बहुत बेसिक आना भी चाहिए, तो नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा बोला 1 तारीख के क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, आप ज्वाइन हो जाओ, आपको पूरा 0 to 10 ऑल कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। सो गाइज इसके साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन को स्टॉप करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।